अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर वन टीचिंग ऐप। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, लगातार डेली बेसिस के ऊपर इतने सारे कमेंट देखने को मिलते हैं और उनमें 90% दोस्तों यही कि सर एलडीसी के एग्ज़ाम डेट कब आएगी, ग्रुप डी के एग्ज़ाम डेट कब आएगी, ये बार बार कमेंट लगातार देखने को मिलते हैं। और वाजिब भी है बात आपकी कि कब आएगी, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया है। यहाँ पर मैं कई बार आपको मैं स्पष्ट कर चुका हूँ बातों को, और बार बार मैं इतने सारे कमेंट आते हैं तो सभी का रिप्लाई नहीं हो पाता है। किस किस को बार बार वही चीज़ बार बार लिखना, फिर अलग अलग। फिर आपके सामने मैं एक बार फिर बता रहा हूँ कि भाई हाईकोर्ट एलडीसी का एग्ज़ाम इस साल नहीं होगा। मैं पहले ही बोल चुका हूँ आपको स्पष्ट तौर पर, ये जो एग्ज़ाम है ना, ये एग्ज़ाम इस साल होने की कोई भी संभावना दोस्तों नहीं है। यानी 2021 के अंदर दोस्तों इसकी कोई भी संभावना नहीं है। जब संभावना नहीं है तो हम उसी बात को बार बार कि सर कब होगा। देखो, हम एक ही बात की रट अगर लगाएं बार बार कि एग्जाम डेट कब आएगी, अब तो उससे एग्जाम डेट दोस्तों नहीं आती। मैं चाहता हूं, मैं ये मानता हूं कि एग्जाम डिले हो रहा है, काफी प्रॉब्लम आपको आ रही है, तैयारी आपकी कंटिन्यू नहीं हो रही है, या किसी और एग्जाम की तैयारी आप नहीं कर पा रहे हो, लेकिन ये हमारी गलती थोड़ी ना है। ये हाईकोर्ट की कहीं ना कहीं मिस्टेक है कि एग्जाम डेट क्यों नहीं निकाल रहा है। एक्चुअल में उसने कोई रीज़न अभी तक नहीं बताया है, बिल्कुल चुप्पी साधे हुए है, सभी तरीके से जांच पड़ताल की, लेकिन कहीं से कुछ खबर दोस्तों नहीं आ रही है। इसी बीच दोस्तों कल आपने देखा है कि न्यूज़पेपर की कटिंग भी दोस्तों के जयपुर की न्यूज़पेपर में एक बात भी बोली गई थी कि भी काफ़ी समय हो गया है, अभी तक भर्तियों का अता पता नहीं है। ये हाईकोर्ट एलडीसी ग्रुप डी के बारे में एक अखबार के अंदर भी कटिंग दोस्तों आई थी, स्पष्ट किया था। आई होप कि उसका कुछ असर हो हाईकोर्ट के ऊपर। तो मैं आपको यही बताने आया हूँ कि भाई अगर हाईकोर्ट एलडीसी की एग्ज़ाम डेट नहीं आ रही तो इस बात पर फोकस ना करें आप कि एग्ज़ाम डेट कब आएगी। अगर आप मन से तैयार हैं इस भर्ती के लिए तो एग्ज़ाम होगा, आप तैयारी करते रहिएगा। साथ में मैं आपको ये करूँ, अगर आपने किसी और भर्ती का फॉर्म भर रखा है या आप और भी किसी की तैयारी करना चाहते हो तो इस समय अगर उसका एग्ज़ाम है पहले तो आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। मैं बार बार बता चुका हूँ, दोनों ही जो आपके यहाँ पर जो ये भर्तियाँ हैं दोनों में ही तीन सब्जेक्ट हैं, और ये तीनों सब्जेक्ट कॉमनली सभी भर्तियों में देखने को मिलते हैं। जैसे कि पटवार का होने वाला है, इसके तो आपने शायद आ गई तो एग्ज़ाम डेट, अभी वीडियो का एग्ज़ाम होगा, पुलिस का एग्ज़ाम डेट, पुलिस की नई भर्ती आएगी दोस्तों, वीडियो का एग्ज़ाम दिसंबर के महीने में परी, तो उसके बारे में मैंने एक डिटेल एनालिसिस किया था, बताया था, तैयारी करना चाहते हो जुड़ सकते हो, मैं भी तैयारी आपको करवा रहा हूँ। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ ये जो एलडीसी का एग्ज़ाम ये 2022 के अंदर ही संभावित है, मान के चलो कि जनवरी लास्ट या फेब के अंदर ही संभावित रहेगा, इस साल कोई पॉसिबिलिटी दोस्तों नहीं है। अभी जो लग रहा है कि भी हाईकोर्ट अगर कराना चाहे, फिर कह रहा हूँ, इस समय जैसे कि स्थिति दिखाई दे रही है, हाईकोर्ट ग्रुप डी होने की संभावना हम मान सकते हैं, क्योंकि ये पहले एग्ज़ाम है, यही दोस्तों सबसे पहले एग्ज़ाम करवाया जाएगा। एक बात आपको और बता दूं मैं यहाँ पर कि भर्ती है और रद्द नहीं होगी। कई ऐसे कॉमेंट आते हैं कि सर भर्ती रद्द हो रही है या ये एग्ज़ाम नहीं होगा, फलाना हो जाए, ढिमका हो जाएगा, फॉरम रीओपन नहीं हुए। जहां तक जिस तरह से एग्जाम डिले हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि इसके फॉर्म रीओपन होंगे। इस हिसाब से डिले हो रहा है, फॉर्म शायद रीओपन ना हो, होंगे तो भर देंगे, नहीं होंगे तो कोई बात नहीं। लेकिन जो संभावना रहेगी 2021 के अंदर दोस्तों, इस एग्जाम की संभावना है, और अगर ये एग्जाम दिसंबर के महीने में कंडक्ट होगा तो आपको नवंबर के अंदर दोस्तों इसकी सूचना मिल जाएगी, नवंबर में इसकी सूचना मिल जाएगी। अगर सूचना नवंबर में नहीं मिलती तो मान के चलो कि इसकी संभावना भी नए के बराबर हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह से डिले एग्जाम हो रहा है। अब क्यों हाईकोर्ट कर रहा है ये एक्चुअल में रीज़न दोस्तों नहीं पता। अगर होता तो मैं आपको बता देता, होता तो मैं सबसे पहले आपको बताता, इवन किसी को दोस्तों नहीं पता है, आपने हज़ारों वीडियो देख ली होंगी,
है ना, फिर आप कमेंट करते हो कि सर आप एक्चुअली बताओ, आपने आपको कुछ नहीं पता। अरे भैया मेरे को नहीं पता तभी तो मैंने आपको नहीं बताया, है ना। नहीं आपको पता, आपने भी बहुत प्रयास किया होगा, आपने भी हाथ पैर मारे होंगे, मतलब कहीं से अंदरून की जो खबर है वो बाहर नहीं निकलती जल्दी से, एक्चुअल में रीजन बाहर नहीं आता। तो आप ऐसे कमेंट करते हो कि सर आप हाईकोर्ट एलडीसी के बारे में ग्रुप डी, अभी क्या बताएं, कोई अपडेट ही नहीं आ रहा है ना। ऐसे वीडियो बनाने से कोई फायदा नहीं। मैं आपके साथ हूं, मैं मेरा पूरा प्रयास है कि भी जल्द से जल्द हाईकोर्ट एग्जाम डेट आए तो आप भी फ्री हो जाएं, मैं भी आपके लिए पूरा प्रयासरत रहूं। तो मैं यही आपको कहना चाहता हूं कि आप डगमगाए नहीं, स्थिर रहें, तैयारी करते रहें, एग्जाम होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो संभावना दोस्तों ग्रुप डी के एग्जाम की रहेगी, इस साल हाईकोर्ट एलडीसी एग्जाम है वो 2021 में, कोई पॉसिबिलिटी दोस्तों इस समय नहीं है। और सबसे बड़ी बात यही बोलूंगा, आप बात मानते हो तो अच्छी बात है, नहीं मानते तो कोई बात नहीं, वो आप पर निर्भर करता है कि एग्जाम डेट पे फोकस ना करके अपनी तैयारी पे फोकस करें। बस आपका विजन है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो, जैसे कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती आई है, 4 महीनों में हाईकोर्ट ने आदेश दिए कि कंडक्ट करवाई जाएगी 4 महीनों के अंदर अंदर, उसके बाद में वीडियो का एग्जाम है, है ना, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड आ रही है, अगर आप एलिजिबल हैं तो साथ साथ थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें। ऐसा तो कभी नहीं था कि यार मैं तो पहले एलडीसी का एग्जाम दूंगा उसके बाद में, इतने में तो बहुत सी भर्तियां आपके हाथों से दोस्तों निकल जाएगी। कई बार हो जाता है, कई बार ऐसी भर्तियां हो जाती हैं कि फंस जाती हैं, सालों साल दोस्तों भर्तियां नहीं होती, कई बार ऐसा हो जाता है। अब इन भर्तियों के साथ हो गया ऐसा, हमारे हाथ में होता तो हम तो करवा देते, समझ रहे हो, मैं भी आपकी तरह एक इंसान हूं, मैं कोई भगवान तो हूं नहीं कि यहां से उनको कहा और एग्जाम डेट बाहर आ गए। तो आप भी अगर कमेंट करते हो तो थोड़ा सोच समझ के, मैं भी आपकी तरह एक इंसान हूं, है ना। हम सरकार तो है नहीं, सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही है। आपने देखा रीट वाले मामले में, देखो बीएसटी सिर्फ बीड का पेच फंसा हुआ लेवल फर्स्ट में, सरकार ने खुद ने हाथ खड़े कर दिए, क्या बोला कि भी हाईकोर्ट आदेश देगा वो वैसा करेगा वैसा ही होगा, मतलब जो मालिक है उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, तो अपन तो उनके आगे क्या है ना। तो ऐसा है, स्थितियां थोड़ी सी बिगड़ी हुई हैं, तो हमें तो धैर्य बना के रखना है, इस बीच अपनी तैयारी को और मजबूत कर लीजिएगा। नो डाउट एग्जाम होगा, जल्दी होगा, ऐसी बात नहीं है। अभी हो सकता है कि जैसे कि न्यूज़पेपर के अंदर हाईलाइट किया गया इस इन भर्तियों को लेकर, तो शायद उसका कुछ असर हो, तो हफ्ते 10 दिन के अंदर शायद मुझे कुछ लगता है अपडेट आ सकता है, अगर वो कुछ हाईलाइट वहां तक पहुंचती है तो। और कोई आपका डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, जल्द मैं कुछ आपके लिए अनाउंस करूंगा। दोनों भर्तियों के लिए पूरी तैयारी चल रही है, ऐसी बात नहीं, मैं भी चाहता हूं कि जल्दी से एग्जाम डेट आए तो कुछ आपका भी फायदा हो। उम्मीद करता हूं मेरी बात से आप सहमत होंगे। चलिए मिलते हैं दोस्तों इसी के साथ, जय हिंद जय भारत।